हेलो एवरीवन, आई एम मनोज कुमार। माय यूट्यूब चैनल मनोज ज्ञान एकेडमी में आपका वेलकम है। तो आज का क्लास रीजनिंग क्लॉक का जानते हैं, तो चलिए जानते हैं क्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले क्लॉक, तो हमने क्लॉक में सेकेंड का, मिनट का और आवर का। तो सेकेंड का सुई प्रति मिनट यानी एक मिनट में 360 डिग्री ये घूमता है। मिनट का सुई एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। और घंटे का सुई प्रति मिनट में आधा डिग्री, यानी एक मिनट जब ये मिनट का सुई घसकता है तो ये आधा डिग्री का एंगल इसके साथ बनता है। तो सेकेंड का सुई प्रति सेकेंड ए 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब स्टार में आप लोग जानते हैं कि एक घंटे में आपस में मिलेगी एक बार। तो ये आवर का, घंटा का सुई और मिनट का सुई एक घंटा में एक बार ही आपस में मिलेगी आएगा। और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार आएगा। और एक घंटे में 90 डिग्री का कोण बनता है दो बार। तो एक घंटे में 90 डिग्री कोण बनता है दो बार, तो 12 घंटे में 90 डिग्री कोण बनेगा 22 बार और 24 घंटे में 90 डिग्री कोण बनेगा 44 बार। अब एक घंटे में 180 डिग्री का एंगल बनेगा एक बार, 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण बनेगा 11 बार। तो यहाँ पर एक बार बनेगा, तो एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। तो एक यहाँ घट जा रहा, क्यों? क्योंकि जब घड़ी में 6 बजता है तो 6 और 7 बजे के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, इसलिए एक यहाँ पे माइनस हो जाता। तो एक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनेगा और 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण 22 बार बनेगा। क्लॉक में ओनली शॉर्ट फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन हो क्लॉक का तो इसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। 11/2m 30 आवर प्लस माइनस थीटा। तो आइए जानते हैं क्लॉक में आवर और मिनट का यूज किया जाता है। तो 2:30 में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो जो हम शॉर्ट फार्मूला बताएं 11/2m इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस थीटा, तो यही यूज करेंगे हम 11/2। यहाँ पे m है तो m कौन हो गया, ये मिनट, तो मिनट 30 इक्वल टू ये 30 है, तो 30 इंटू h मतलब आवर, आवर तो ये हो गया 2, अब प्लस माइनस थीटा, तो ये कट गया 15 बार में, 15 को 11 से इंटू करेंगे तो 165 इक्वल टू 30 दुनी 60 प्लस माइनस थीटा। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 165 60 इक्वल टू थीटा, तो 165 में 60 चला गया तो 105 डिग्री आंसर। में 2:30 में मिनट और आवर के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 105 डिग्री का कोण बनेगा। 2:10 में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो वही फार्मूला 11/2m 30 आवर प्लस माइनस थीटा। तो 11/2 इंटू मिनट कितना है, तो 10 मिनट है, इक्वल टू 30 का 30 इंटू ये आवर, तो कितना है 2 है, तो 2 प्लस माइनस थीटा। अब ये इसको काट देते हैं, 5 बार में कट गया, 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 और 30 दुनी 60 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए 60 को इधर तो नहीं ला सकते हैं, ये तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस थीटा दिया जाता है। तो क्या करेंगे, थीटा को अब इधर ले आएंगे, ये मान लो ये माइनस का साइन यहाँ पे यूज हो जाएगा, और वहाँ पे कौन सा साइन यूज हुआ, तो प्लस का साइन यूज हुआ और यहाँ पे माइनस का साइन यूज होगा। तो ये 60 यहीं रहेगा और ये माइनस में इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, और ये 60 और ये प्लस में इधर गया तो माइनस
तो थीटा इक्वल टू 60 में 55 जाएगा, तो यानी 5 डिग्री, यानी 2:10 में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 5 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछता है, तो आइए जानते हैं ये चारों क्वेश्चन के बारे में। तो वह समय बताइए जब 2 और 3 के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम सुपर फास्ट फॉर्मूला बताए थे 11/2m इक्वल टू 30 आवर ± थीटा। तो हम 2 और 3 के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो मेरा मिनट तो ही निकालना है ना, ये तो घंटा दिया है, यानी कि 2 और 3 बजे के बीच। तो 11/2m इक्वल टू 30 into hour, यानी कितना दिया, 2 घंटा, तो 2 ± थीटा। 11/2m 60 ± और थीटा की जगह पर यहाँ पे कितना डिग्री डालेंगे, 90 डिग्री। तो अब बताइए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस का साइन यूज होगा या माइनस का साइन। तो आप जानते होंगे कि 60 में तो 90 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, 60 को 90 में प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 150, और इधर वही। तो अब मेरा 11/2, तो ये 2 यहाँ डिवाइड में है, तो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। तो m इक्वल टू मेरा आ गया 30/11, और इसको अगर डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 273/11 मिनट, यानी कि मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा 2:27:37 आंसर, यानी 2:27 में 90 डिग्री का कोण बनेगा। वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो वही फॉर्मूला 11/2m इक्वल टू 30 आवर ± थीटा। तो 11/2m 30 into hour कितना है, तो 4 बजे, तो 4 ± थीटा कितना दिया, 30 डिग्री, तो 30। अब 11/2m 120 ± 30, तो यहाँ पे तो छोटा था, यहाँ प्लस माइनस का साइन था, तो यहाँ छोटा था इसलिए हम ये दोनों प्लस कर दिए, मगर यहाँ आप क्या आ गया, बड़ा। तो यहाँ प्लस माइनस का साइन दोनों यूज होगा, क्योंकि आप हम बताए थे कि 4 और 5 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। एक ये घड़ी है, तो कितना 4, तो 4 और 5 के बीच 30 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। एक बार जब मिनट का सुई इधर आएगा तो यहाँ पर आएगा तो 30 डिग्री बनेगा, और एक ये साइड में 30 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे आप आंसर में 2 आंसर आएगा, तो ऑप्शन वाइज आप करना पड़ेगा। तो आंसर पहले प्लस में लेके कर लेंगे और फिर एक माइनस में लेके। तो प्लस में करेंगे तो मेरा आ जाएगा 120 या प्लस 11/2m इक्वल टू 120 और 30 150, तो 11/2m इक्वल टू, अब ये डिवाइड में है 2, तो कहाँ चला गया, इनटू में, तो m इक्वल टू 300/11, तो ये आ गया 27:1 मिनट। तो यानी कि 4:27 में कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर हम माइनस लेके यूज करेंगे तो एक और आंसर आएगा 4:00 कुछ मिनट। अब दूसरा क्वेश्चन है, दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। तो हम बताए थे दर्पण, जब दर्पण का बात हो तो हमेशा कोई भी समय दिया रहे उसको हम लोग 11:60 से माइनस कर देंगे,
यानी 11:60 में माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ratio 45 आंसर। तो जब भी दर्पण का बात करें तो कोई भी समय दिया रहे उसको 11:60 में माइनस कर देंगे। जल प्रतिबिंब क्या होगा जब घड़ी में 3:45 हो। तो जल प्रतिबिंब का बात आए तो जब भी जल प्रतिबिंब का बात हो तो 17:90 में हम लोग माइनस कर देंगे जो समय दिया रहेगा। तो ये 17 में से 3 चला गया तो बच गया तुम 14, और ये 90 में 45 चला गया तो 45, यानी कि 14 तो ऑप्शन में नहीं होगा। तो 14 कब बचता है, 2:45 में आंसर। बनाने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा तो आप कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।